नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार की तरफ से अनाज मुहैया करवाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना का लोगों को बहुत ही लाभ मिला है। वहीं अब बिहार सरकार ने अनाज वितरण को लेकर नई जानकारी साझा की है, जिसके तहत सरकार ने बताया कि केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 8.60 करोड़ लाभुकों के बीच जुलाई का अनाज वितरण 10 अगस्त तक करने का निर्देश जारी किया गया है। इस बाबत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि जिन पंचायतों में लाभुकों के बीच अनाज वितरण का काम धीमी गति से किया जा रहा है, उसके बारे में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट सप्ताह के अंदर करवाई जाए। इसके साथ ही सरकार ने इस दौरान पीडीएस दुकानदारों को भी अहम जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत अब पीडीएस दुकानदारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि लाभुक जिस दुकान से चाहे उस दुकान से अपने कोटे का अनाज ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी लाभुक को अनाज लेने में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। अब आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आखिर है क्या। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का लक्ष्य है। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है। कोरोना संकट के चलते देश के कई राज्यों में दोबारा लॉकडाउन के बाद गरीब परिवार में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, जिसको देखते हुए पिछले साल की तरह अप्रैल में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1 मई और जून महीने में फ्री राशन देने का ऐलान किया गया है। वहीं सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ ही अनाज वितरण के काम में अगर निर्धारित समय में अनाज वितरण का काम नहीं किया गया या दुकानदार किसी भी वजह से गायब मिले या उनकी दुकान ही बंद मिली तो ऐसे दुकानदार को अपनी उल्टी गिनती गिनने के लिए तैयार रहना चाहिए। परिणाम स्वरूप सरकारी कर्मियों की तरफ से ऐसे किसी भी शिकायत आने के बाद संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई हो सकती है। इस बाबत सभी एसडीओ को दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही विभाग ने अनाज लेने वाले सभी लाभुकों से भी अपील की है कि यदि राशन वितरण में उन्हें कहीं भी गड़बड़ी देखने को मिले तो तत्काल एसडीओ कंट्रोल रूम को सूचित करें। इसके साथ ही अगस्त महीने तक अनाज वितरण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी 38 जिलों को 4,20,000 मीट्रिक टन चावल और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 4,64,000 मीट्रिक टन अनाज सभी पीडीएस दुकानों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहीं लाभुकों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 25.87% अनाज का उठाव किया जा चुका है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभार्थियों द्वारा 19.34% अनाज उठाव का काम हो चुका है। इस बाबत खाद्य सचिव विनय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में खाद्य निगम से जुलाई का पूरा अनाज उठाव का काम पूरा हो चुका है और उसे जन वितरण प्रणाली की दुकानों में उपलब्ध करवा दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक कहीं से भी अनाज वितरण में किसी भी तरीके की शिकायत सामने नहीं आई है और सभी लाभुकों को जगह जगह पर अनाज देने का काम किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते 1.5 साल से कोरोना की मार का सामना कर रहे कमजोर तबके के लोगों के सिर पर खाने से लेकर हर जरूरी सुविधा के अभाव का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों की नौकरियां चली गई थी। दूसरे शहर नौकरी की तलाश में गए प्रवासियों को भी काम से निकाल दिया गया था। ऐसे में समाज के एक बड़े तबके के सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। हालांकि सरकार ने ऐसे लोगों की परेशानी का हल निकालते हुए पिछले साल से ही अनाज वितरण का काम शुरू कर दिया है और पहली लहर से लेकर दूसरी लहर तक मामलों में इजाफा देखने को तो मिला ही। वहीं केंद्र की विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी जोर शोर से किया गया। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।